श्रेष्ठ श्राविका श्री नागीला अंतिम केवल ज्ञानी मोटा भाई भवदत्तनी साथे नानो भाई भवदेव पण संयमना मार्गे चाली निकळ्यो। भवदेवनी पत्नी नागीलाना शणगारनो उत्सव रचायो हतो। शणगारथी शोभती नववधु नागीलाने भवदेवे कह्युं, मारे माटे मोटा भाईनी इच्छा एज सर्वस्व छे, आथी हवे संसारने बदले साधुता मारो जीवन पंथ बनशे। मोटा भाई भवदत्तनी जेम भवदेव पण सुशिष्ट आचार्यना शिष्य बन्या। भवदेव ने केटलाक दिवसों वैराग्य भावमां व्यतीत थया, परंतु वर्षोना पूर शमी जता सरिताना तळिये रहेलो कांप दृष्टिगोचर थाय तेम मुनि भवदेव ने एकांतमां नागीलानुं स्नेही भीनुं स्मरण थवा लाग्युं। चातुर्मासना स्थिर वास समय आकाशना वरसता वादळोमां नागीलानो केश पास देखातो हतो। इंद्रधनुषमां नागीलाना मृत्युना रंगो विखरायेला लागता हता। मयूरोनी केकामां नागीलानो कंठरव संभळातो हतो। विरहनी पीड़ाथी सतत टपकता आंसू देखाता हता। एक दिवस महामुनि भवदत्त काल धर्म पाम्या। ए पछी भवदेवे विचार्यू के रुदन करी करी थाकेला एना हृदयने नागीला शांत करी शके तेम छे। आज सुधी तो नागीला पासे जता अकल बेड़ियो पगमां जकड़ाई जती हती, परंतु मोटा भाईनो काल धर्म थता हवे एवो अनुभव थतो नथ्यो। बार बार वर्ष बाद मुनि भवदेव पोताना गाम सुंगराममां आव्या। अहीं एक मंदिरमां उतारो कर्यो। मुनि भवदेव आव्याना समाचार नागीलाने मळ्या। एणे जाण्यु के मुनि चारित्र छोड़वा उत्सुक बन्या छे, त्यारे ते ऊंडा विचारमां पड़ी गई। स्वधर्मथी पीठ बतावे ते तो कायर कहेवाय। नागीलाए एक वृद्ध श्राविकाने पोतानी योजना समझावी, एक बाळकने थोड़ू शीखवाड़ीने तैयार कर्यो। रात्रि पूर्ण थता नागीला वृद्ध शाविका साथे भवदेव उतर्या हता ते मंदिर आवी। नागीलाने मळवा आतुर एवा भवदेवे ए स्त्रीने पूछ्यू, गाममां नागीला क्या रहे छे, ए शू करे छे? ए समय गोठवणी मुजब एक बाळक आवीने नागीलाने कहेवा लाग्यो, मां मां आजे मने गाममां जमवानुं नोतरुं मळ्युं छे, भोजन साथे दक्षिणा पण खरी, आथी मारे पहेला पीधेलू दूध वमन करी नाखवू छे, पछी भोजन अने दक्षिणा बाद पाछू वमन करेलू ए दूध पी जईश। आ सांभळी मुनि भवदेव हसी पड्या अने बोल्या, अरे बालक केवी बेहूदी वात करे छे तू, वमन करेलू नींदवा योग्य दूध तू पाछो पी जईश? आ सांभळी नागीलाए कह्युं, मुनिराज हूँ ज नागीला छू, आपे पे पूर्वे जे संसारने त्यजी दीधो छे तेने फरी स्वीकारवा चाहो छो? भव समुद्र ने तारक एवी दीक्षानो आपे स्वीकार कर्यो छे, तो पछी शा माटे दुर्गति रूप संसारने पूर्ण स्वीकार उत्सुक बन्या छो? मांड मांड अश्वस्वारी मळी छे ते छोड़ीने गधर्भ पर सवारी करवानुं केम विचारो छो? आप जे चारित्र्यना मार्ग पर चालो छो ए चारित्र्यनो मार्ग शालीभद्र मेघकुमार अने धन्ना शेठने मुक्ति मोक्ष सुधी लई गयो ते केम विसरी जाओ छो? मनना मदमस्त हाथीने आप अंकुश लगावी काबूमां केम राखता नथी? जन्म मृत्युना भ्रमणमांथी मुक्त थवानो आ एक ज मार्ग छे ते आप सारी रीते जाणो छो। वळी मने जनावता आनंद उपजे छे के मैं पण गुरु पासेथी शील व्रत अंगीकार कर्युं छे। तमे पण गुरु पासे पाछा जईने शुद्र चारित्र पाळो। मुनि भवदेव नागेला पासे ते उपदेश पामीने गुरु पासे गया। समय जता तेओ अवसरपणी कालमां भरत क्षेत्रना छेल्ला केवल ज्ञानी जंबू स्वामी बन्या। जो तमने आ वीडियो गम्यो होय तो आ वीडियो ने लाइक करो अने मारी चेनल जैन फेक्ट्स एंड स्टोरीज ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।